what is this love and war? You know that I love and got it fucking me wrong. You know I ain't with it, never did it before. He got me all of my feelings, now he got you all on yours. Ooh, it's like that. गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। गाइस आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ अपनी ब्रांड न्यू BMW F10 5 सीरीज 2013 मॉडल। और गाइस गाड़ी मैंने क्यों परचेज की, क्या सीन है और कितनी देर हो गई है मुझे परचेज की, प्लान्स क्या है, तो यार सारा को डिस्कस करेंगे। और इस टाइम मैंने गाड़ी में इंस्टॉल किए हुए हैं 22 इंच के रिम्स जो बनाते हैं इसको, ओनली F10 पाकिस्तान ऑन 22। और गाइस ये मैक्सिमम साइज है, इससे बड़ा साइज़ BMW F10 में आप नहीं इंस्टॉल कर सकते, नहीं लगा सकते, 22 इंच इज़ ए मैक्स। और गाइस चले इसके तरह वो भी डिस्कस करते हैं चीज़ें कि यार मैंने प्लान्स किया है, मैंने क्यों परचेज किए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन। तो गाइस गाड़ी को लेने के दो मकसद थे, एक तो आई एम ह्यूज BMW फैन और दूसरा मकसद ये है कि यार इसको मैंने कन्वर्ट करना है BMW F10 में, सॉरी M5 F10 में। और उसके लिए अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मुझे क्या कॉस्ट करेगी ईच एंड एवरीथिंग। और उससे पहले मैंने इसको 22 इंच के रिम इंस्टॉल किए हुए हैं और हम उस पर यार गाड़ी गेम इंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है गाड़ी और अप्रिसिएशन बहुत मिलती है यार जो भी देखते हैं। और इसके अलावा मैं अब इस गाड़ी का आपको बता दूं कि इसके इंटीरियर की क्या गेम्स है, लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस ये गाड़ी की इंटीरियर गेम्स है यार, और माशाल्लाह यार मुझे BMW का इंटीरियर बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत मजे का होता है एज कम्पेयर टू मर्सिडीज। अगर आप देखा जाए तो ये 2013 मॉडल है लेट्स सपोज, और अब 2021 मॉडल भी अब गाड़ी ले आए तो थोड़ा सा फर्क है। यहाँ डिस्प्ले लगा दिया इन्होंने, क्लस्टर मीटर जो है वो डिस्प्ले वाला हो गया है, यानी छोटी सी चीज़ों का डिफरेंस है और आपको यही लग रहा है कि जैसे आप 2021 मॉडल में जा रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत चीज़ पसंद है BMW में। और इसके अलावा यार इसकी ड्राइव, इसकी फिनिशिंग देखिए, हर जगह सॉफ्ट टच, अब जहाँ मैं टच करूँगा वो सॉफ्ट टच है। और अगर आप मर्सिडीज की एस क्लास भी ले आए तो यार उसका भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन BMW में ये सीन नहीं है। और गाइस प्लान मेरे यही है इस गाड़ी के साथ कि यार जब मैंने इसको परचेज करने में दो डिसीजंस थे, एक तो था कि यार आई वांट BMW क्योंकि मैं इसका ह्यूज फैन हूँ BMW का, इसकी ड्राइव का, रिलायबिलिटी का और इसकी यू नो फिनिशिंग का और इसका जो मटेरियल है ईच एंड एवरीथिंग का। दूसरा यार मुझे इसको M5 में कन्वर्ट करना है यार, और उसी लिए मैं गाड़ी देख रहा हूँ UK से। अगर कोई मुझे अच्छी प्राइस में डील मिलती है तो डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वी हैव टू वेट। और तब तक हम इंजॉय कर रहे हैं ऐसे 22 इंच के रिम डाल के, फुल इसकी गाड़ी के गेम्स ऑन हमने किए हुए हैं। सो गए इसके अलावा कोई इशू नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है यार, और इसकी एवरेज वाइज हर लिहाज से गाड़ी बहुत ही मज़ेदार है, टू बी ऑनेस्ट बहुत मजे की। काफी लोगों का ये भी सवाल है कि यार इस प्राइस में तो आपको मर्सिडीज ई क्लास ही मिल जानी थी, तो आपने वो क्यों ट्राई किया। सो गाइस ऑनेस्टली मुझे इस गाड़ी की शेप ज्यादा पसंद है और 90% लोगों को यही ज्यादा शेप पसंद है अगर F10 और आप ई क्लास 2013 मॉडल कंपेयर करें तो। इसकी यानी गेमिंग कोई और है, कोई स्पोर्ट्स टच देती है गाड़ी, प्यारी लगती है बहुत, और एक कह लें कि लेटेस्ट जनरेशन की गाड़ी लगती है, दैट्स व्हाई आई चूज BMW F10। और मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा गाड़ी और मुझे तो कोई साफ मिल नहीं रही थी, लेकिन फाइनली मुझे मिल गई और मैंने तक कर ही गाड़ी ले ली। मैं कहा नहीं यार ज़्यादा मैं इसको डिले नहीं कर सकता, सो यही वजह थी कि मैं E63 AMG की बजाय M5 मैंने प्रेफर किया। ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट करती हैं अगर आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और वैसे भी E63 काफ़ी हो चुकी हैं और M5 तक एक ही हुई है, सो ये भी एक वजह थी कि स्टैंड आउट करेंगे, कम होंगी गाड़ियाँ। और इसकी जो ट्रांसमिशन है 8 HP यार, उसका मुकाबला तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो BMW में आती है। M5 में DCT आता है लेकिन स्टिल वो भी बहुत मज़े की ट्रांसमिशन है। और हाँ मेरा एक और भी प्लान है, अगर मेरा M5 का सीन ना बना तो मैं 550i में भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसकी भी अपनी गेम्स है गाड़ी की, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। और इसके अलावा दैट्स इट गाइस, इंशाल्लाह इसके अलावा और भी सी वीडियोस बनाएंगे, फिलहाल इतना ही। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लोग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
We got some bitches, so you know we get litty, ayy. My homies with me, so you know.